इन दिनों रेल मंत्रालय का ये दावा है कि साल 2014 के बाद यात्री सुविधा बेहतर हो चली है। अब जो भी भीड़ भरी ट्रेन चलती है उसके साथ ही क्लोन ट्रेन चलाई जा रही है। लेकिन हम आपको एक ऐसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बता रहे हैं जिसके रिजर्व क्लास में यात्री सुविधा का बाजा बजा हुआ है। लोग भेड़ बकरी की तरह ठसठसा कर लटक कर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी रेल प्रशासन को नहीं है। रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ पूरी चौकसी के साथ इस ट्रेन में आते हैं, पर अनऑथराइज्ड पैसेंजर को उतारकर बोनाफाइड पैसेंजर को राहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि वसूली के लिए। रेलवे के लिए दिसंबर और जनवरी का महीना लीन सीजन माना जाता है। इन दिनों ना तो शादी ब्याह का मौसम होता है और ना ही त्योहार की भारी भड़कम भीड़। लेकिन तब भी बिहार के भागलपुर से पटना होते हुए दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल आने वाली ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस में अभी भी स्लीपर क्लास में यात्री भेड़ बकरी की तरह ठसठसा कर और लटक कर यात्रा कर रहे हैं। चलिए आपको इस ट्रेन की एक झलक दिखा देते हैं। तो देखा विक्रमशिला एक्सप्रेस में, जहां रेल यात्रियों की पीड़ा, रेल यात्रियों की विवशता, स्लीपर क्लास की यात्रा, स्लीपर क्लास के यात्रियों की मजबूरी पर किसी का कोई भी निगाहें नजर नहीं जाती। तो चलिए आज हम आपको एक बार फिर से सफर करा देते हैं। 6 जनवरी 2023 को भागलपुर से चली गाड़ी संख्या 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस में। ये ट्रेन दिन में 12 बजे भागलपुर से चली तो इसका जनरल डब्बा ही नहीं बल्कि स्लीपर क्लास के सभी डब्बे पूरी तरह से ठसठसा कर भरे हुए थे। बीच के स्टेशनों में तो रिजर्व पैसेंजर चढ़े, अपनी सीट या बर्थ हासिल करने में भारी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन बोनाफाइड पैसेंजर के बर्थ पर कब्जा जमाए व्यक्ति क्या कहते हैं कि सबको दिल्ली ही तो जाना है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। वहीं स्लीपर क्लास के एक डब्बे में अधिकतम 80 यात्रियों की बर्थ होती है। इनमें 12 आरएसी पैसेंजर भी होते हैं। लेकिन 6 जनवरी को विक्रमशिला एक्सप्रेस में आपको इन रिजर्व पैसेंजर के अलावा हर डिब्बे में 250 से 300 तक अनऑथराइज पैसेंजर घुसे हुए दिख जाएंगे। जिन्हें सीट या बर्थ पर जगह नहीं मिली तो वे सीटों के बीच, फर्श पर, शौचालय के पास, कॉरिडोर में और यहां तक कि दो डिब्बों को कनेक्ट करने के लिए जो जगह होती है वहां पर भी बैठे या फिर खड़े दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि स्लीपर क्लास के ये पैसेंजर बेटिकट हैं। इनमें कुछ पैसेंजर तो वेट लिस्टेड टिकट लेके चले हैं, लेकिन अधिकतर पैसेंजर चालू या जनरल टिकट खरीद स्लीपर क्लास में चढ़ गए। या टिकट चेकिंग स्टाफ इनसे 250 रुपए की पेनाल्टी और साथ ही स्लीपर और सेकंड क्लास के फेयर का डिफरेंस वसूलते हैं। कुल मिलाकर उनसे 500 से लेकर 550 तक रुपए झटका लिए जाते हैं और उन्हें ब्लैंक पेपर टिकट दे दिया जाता है। इस ट्रेन के स्लीपर डिब्बे में सफर करने वाले बोनाफाइड पैसेंजर की शामत है। किसी तरह से वे संघर्ष करते हुए अपनी सीट या बर्थ पर पहुंच गए, सफलता हासिल कर ली और वहां जगह पर बैठ गए तो सामान रखने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। पहले से जो व्यक्ति वहां कब्जा जमाए हैं वे जगह खाली नहीं करते बल्कि उनसे एडजस्ट करने को कहते हैं। किसी तरह बैठ गए और आपको यदि नेचर कॉल आ जाए तो शौचालय तक पहुंचने की जगह ही नहीं है। शौचालय पहुंच भी गए तो वहां इतनी गंदगी है कि आप शौच तक नहीं कर पाएंगे। इस ट्रेन में एक ऐसा भी पैसेंजर दिखा जिसने किसी सीट या बर्थ पर जगह नहीं मिली तो फिर उन्होंने अपना ही जुगाड़ निकाल लिया। उन्होंने गमछे तो दोनों तरफ के पंखों में बांधे और हवा में झूला तैयार हो गया। फिर उस झूले पर बैठ गए और रास्ते भर झूलते झूलते देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गए। उसी झूले पर यात्रा और उसी झूले पर खाना पीना सब कुछ हुआ एकदम। इस ट्रेन के स्लीपर क्लास के 9 डिब्बे हैं। हर डिब्बे की हालत एक जैसी है, किसी में भेदभाव नहीं है। मतलब कि 80 यात्रियों की जगह 250 से 300 यात्री, यदि एक यात्री से औसतन 600 रुपए आए तो 1,80,000 रुपए तो झोली में आ ही जाए। 9 स्लीपर कोच में 16 लाख से भी ज्यादा आमदनी। यदि उसमें सिर्फ 80 यात्री ही रहते तो फिर रेलवे को तो 40,000 रुपए ही मिलते, मतलब कि 9 डिब्बे में 3,60,000 रुपए। इन्हीं यात्रियों की बदौलत 4 गुने से ज्यादा की कमाई। यही नहीं, टिकट चेकिंग स्टाफ से लेकर पुलिस के स्टाफ गा गा कर
मांगने वाली महिलाएं सब इन्हीं यात्रियों से रास्ते में वसूली करते हैं और इसी तरह से रेलवे सहित सबकी दुकानें चल रही। तो ये बात हमने करी गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर से चलते हुए पटना के रास्ते दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पहुंचने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन की। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।